सलाम पाकिस्तान दोस्तों, मैं हूं एसएस मलिक और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नामा। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर होता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ नामा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली हमारी वीडियो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। क्या आपको पता है कि रूस ने यूक्रेन पर जो जंग मसल्लत की हुई है कब ख़त्म होगी? रूस 9 मई तक जंग ख़त्म करना चाहता है। यूक्रेनी फ़ौज की आला क़यादत की जानब से दावा किया जा रहा है कि रूस 9 मई तक जंग ख़त्म करना चाहता है। यूक्रेनी सहाफ़ी एजेंसी दी कीफ इंडिपेंडेंट के मुताबिक यूक्रेन की मसल्ला अफवाज के जनरल स्टाफ इंटेलिजेंस का कहना है कि रूस 9 मई तक जंग ख़त्म करना चाहता है। दी कीफ इंडिपेंडेंट के मुताबिक रूस के फौजियों को कहा जा रहा है कि 9 मई तक जंग ख़त्म होनी चाहिए। याद रहे कि रूस की जानब से यूक्रेन में जंग का आगाज़ गुज़श्ता माह 24 फरवरी को किया गया था। आपको ये बात बताता चलूं कि हर साल 9 मई को रूस भर में आम ततील का ऐलान किया जाता है। रूस इस दिन अपनी अजीम हुब्बुल वतनी की जंग 1941 से लेकर 1945 तक के खात्मे का जश्न मनाता है। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने खुदकशी कर ली थी। हिटलर की खुदकशी के चंद दिन बाद बर्लिन सोवियत यूनियन के कब्जे में चला गया था, जबकि जर्मन मसल्ला अफवाज ने 7 मई 1945 को मगरब में और 9 मई 1945 को मशरक में गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दिए थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।